जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज बनने का, ये भारत पे भी सारा बंदा बन के जोश इतना सहता, इसमें खून खोलेगा सभी का, सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। मोदी जी पर अगर पिक्चर बनाना है तो ऑब्वियसली लुकिंग एट द पर्सन, लुकिंग एट द पर्सनैलिटी बड़ी होनी चाहिए, लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए एंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट अ लिविंग प्राइम मिनिस्टर पर एक पिक्चर बन रही है। हिंदू या मुसलमान नहीं मरे, 1044 गुजराती मरे, जो भ्रष्ट है उन्हीं को मोदी से कष्ट है। एक्शन। सर आप तैयार हैं? प्रोस्थेटिक इस फिल्म का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था कि नरेंद्र मोदी का लुक विवेक ओबरॉय पे फिट करना। तो शुरुआत में हमने जब बात की तो काफ़ी बताया गया है भाई इसका ये प्रोसीजर है, लगाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं और सिर्फ आप 6 घंटे के लिए शूट कर सकते हैं। ये चाहिए तो सही मेरे को ये नहीं, मैं अभी तो स्माइल कर रहा तो कुछ भी नहीं आ रहा तो मेरे को। तो मुझे वो फोटोशूट याद है जब विक्की नानी के साथ और प्रीति शील के साथ हम फोटोशूट कर रहे थे, एक दिन वो लुक नहीं बैठा और हम पूरी रात एक मीटिंग कर रहे थे कि नाक कैसा होगा, आईब्रो कैसा होगा। मीटिंग का निर्णय ये था कि ये फिल्म ही नहीं बनाते हैं। आई थिंक वी आर ओवर थिंकिंग, आई थिंक ये सब डालने की जरूरत नहीं है। एंड सडनली पता चला जस्ट बाय पुटिंग दिस लिप इट चेंजेस द कैरेक्टर। एंड सडनली धीरे धीरे हमको मोदी जी दिखने लगे एंड यस फाइनली वी गॉट द लुक दैट वी वांटेड। वैसे तो बहुत सारी फिल्में होती हैं पर ये फिल्म बनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल फिल्म था। एक माउंटिंग ऑफ द फिल्म होता है, लोकेशंस होते हैं, इतने टफ लोकेशंस हैं इस फिल्म के, इतनी सारी ट्रैवलिंग थी और वो हमने 38 डेज में खत्म कर दिया। इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बनेगा कोई बोला तो सब लोग हंसेंगे, लेकिन बन पाए एंड अगर वो बन पाए तो कोई भी बन सकता है। तो दैट इज द इंस्पायरिंग स्टोरी दैट आई वांटेड टू से। एक साधारण परिवार का राशन 12 रुपए में आता था। We can follow as he is doing, we come back, pull back and you end. एक लॉक करो, लोकेशन लॉक करो, लोग बाहर से आ रहे हैं। अरे हट जाओ भाई। इधर आ गया देखा। कल पहले तुम यहाँ पे आ रहे हो, पूरा कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं है। और फिर आईएसआई पे जा रहे हो, बस आधे घंटे की लाइटिंग तो पूरा दिन ही ओपन है। गोली मार रही है, अपने आप एक्सेलरेशन मार रहा है, मैं दबा रहा हूं। चलो लेट इट बी, चल के दे स्कूटर कीप। क्या गुजरात चल रहा है। गोधरा एक ऐसा इंसिडेंट है इस देश का जो आज भी याद आता है तो जहन में रहता है और धड़कन फास्ट हो जाती है। राइट्स की बहुत सारी पिक्चर्स हमने देखे एंड यू नो गोधरा भी हमने बहुत अच्छे तरह स्टडी किया था। हम कम दिखाएं तो ज़्यादा दिखेगा, ये हमारा बॉटम लाइन था। जय श्री राम। कट कट ओके। फ्रेम कैसे करेंगे जरा मेरे को बॉडी लैंग्वेज करके दिखाओ। मैं आप ही दे सकते हो प्लीज प्लीज। मेरे बच्चा मेरे को वापस दे देना प्लीज। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो बच्चा चाहिए मेरे को वापस बस। और इस चीज़ को रिक्रिएट करने में हमारा एक ही मकसद ये था कि किसी को हम उत्तेजित करने के बजाय देशभक्ति की भावना कैसे जागृत करें। हमने उसको रिक्रिएट किया है। उस रिक्रिएशन को दोबारा किसी को रिक्रिएट करने का मौका ना मिले, ऐसा वाकया कभी हो नहीं, बस यही प्रार्थना करते हैं। मोदी जी एक्शन एंड एक्शन एवरीवन। कट 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 हम जब अलग होते हैं, हम जब आपस में बंटते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, तो इस तरह के स्कार्स, इस तरह के निशान हमारे सोशल फैब्रिक पे, हमारे इस सुंदर देश पर रह जाते हैं जीवन भर के लिए। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। अक्षरधाम एक प्लेस है जो लाइव प्लेस है। वी वर प्रिविलेज्ड इनफ टू शूट एट द रियल लोकेशन। पर हर लोगों को तुम लोग टुगेदर बोलते, भैया संभाल के, स्क्रैच ना लगे, बी केयरफुल। ऐसा लगे हमारे घर पे शूट करते हैं। तो हमने एग्जैक्टली वही रिक्रिएट किया जो सब लोगों ने हमको बताया था कि यू नो यहीं से आए थे, यहाँ से छलांग मारी, तो हमने वही शूट किया। एक्शन! वो एक आदमी दिखा, धार से आ जाना चाहिए। कैसे मोदी जी वहाँ थे और उन्होंने बाहर से सब बताया, प्लान वैन कैसे करना है, एंड एवरीबडी वाज रिपोर्टिंग। आर्मी आ गई थी, एनर्जी आ गई थी, कैसे उन्होंने हैंडल किया। हर्षिल नाम सुन के ठंडी लगती है। यू नो -20 डिग्रीज में हम शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड यू नो योर स्ट्रेचिंग लॉन्ग आवर्स। पहाड़ों में जब हम शूट कर रहे थे तो टेम्परेचर ड्रॉप होके -20 क्रॉस कर गई, और जो हम ठंड से ठिठुर रहे थे पूरी यूनिट, हमको एक शॉट में ऐसा चाहिए था कि वो मंदिर में जा रहा है और मंदिर में वो जूते पहन के नहीं जा सकता। फर्स्ट स्टेप ही टुक विवेक एंड फाइनली स्टम्बल्ड, ही वेंट इनसाइड। ऐसा लगा ठीक है, रियलिस्टिक एक्टिंग है, बिकॉज स्नो इतना डीप था, हमें पता नहीं था पैर इतना अंदर जा रहा है। फर्स्ट स्टेप दैट ही टुक, उसके नीचे कुछ नोकीला चीज़ था जो पैर में घुस गए, उसके टो के नीचे उनके पूरा एक क्रैक आ गया। तो हमें ज़रूरत थी लाल चौक की। अब वो हमने लाल चौक बना दिया हर्षिल के एक सेंटर टाउन। ये वुडन हाउस 1, 2, 3 हाउस। जस्ट शो मी पीपल पासिंग बाय, थोड़ा सह लो, ठीक है? बाकी सब चले जाना, ठीक है? लास्ट से हो जाएगा, फटाफट करेंगे भाई। यहाँ से आया, ये किया और चिल्लाया, एंड एक्शन। उस एकता यात्रा के दौरान जैसे ही झंडा गाड़ा और झंडा लहराया हवा में, असीम प्राइड उस तिरंगे को देखकर। इस शॉट में मैं ऑलरेडी खड़ा हूँ, आप चेस्ट से फेस पे आएंगे और सामने वो कवर करेंगे। कॉपी कॉपी। सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि इस फिल्म में म्यूजिक ही नहीं होगा, सिर्फ बैकग्राउंड के साथ हम चले जाएंगे आगे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होता चला गया, जैसे जैसे कहानी हम घुसते चले गए, तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए कि हमको लगा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ड्रामा फिल्म बनाकर हम इस फिल्म में संगीत नहीं रखेंगे तो फायदा क्या है? शशि ने सुनो गौर से बहुत अच्छा काम किया, सिद्धार्थ महादेवन ने बहुत दिल से गाया भी वो गाना। बैकग्राउंड कर रहे थे और बैकग्राउंड करते करते एक ऐसा सिचुएशन आया कि हमने सोचा कि एक गाना करते हैं, कुछ धमाल, कुछ अलग। नमो नमो करके ऑन द स्पॉट एक पेरी जी जिसने गाना लिखा और लवराज, नमो 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 गूंजेगा ये देश में, नमो 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 ना कोई भी होगा रेस में, नमो नमो मेरा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स है। हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी गाना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा था और मैं गाते गाते बाहर चला गया। फिर मैं 1 घंटे बाद स्टूडियो में वापस गया, मतलब हाँ कैसे हो गया क्या वो गाना, तो उसने सुना है, मतलब यार बहुत अच्छा किया उसने, बराबर फॉलो किया उसने। तो उसने बोला नहीं ये आप ही की आवाज़ है जो मैंने रखी, तो यू हैव टू री रिकॉर्ड द सॉन्ग अगेन। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो प्रसून साहब ने वो लिरिक्स भेजा, हमने वो लिरिक्स पढ़ना शुरू किया। इट रीच्ड आउट एज अ कॉम्पोजिशन टू मी द मोस्ट एंड इट हिट मी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ईश्वर अल्लाह तो लेजेंडरी गाना है, और अगर ये गाने को हमने इस देश ने अपना फिलॉसफी बना दिया तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। फकीरा इज वेरी वेल रिटन। इस फिल्म को दिमाग में रखकर उस गाने को लिखा गया है। जब पहली बार मैं ये गाना सुना तो खुश भी हुआ, आंखें छलक भी आई। इमोशनली यहाँ दिल को लगता है वो गाना। मन फकीरा चैन न पावे, मन फकीरा चैन न पावे, जो भी तू गई। कुछ भी ना करना अच्छे से, कुछ भी ना मैंने किया है। क्या बात है, ये करो, करेक्ट, नाइस, बहुत अच्छा। मेरी नजर एक बहुत महीन, बहुत सुंदर, बहुत दिल को छू जाने वाला, रूह को छू जाने वाला गाना है। हम सबको मिलकर काम करना है, सीएम की तरह सीएम बनकर, कॉमन मैन। इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नियत भी साफ। एक फैंटास्टिक एक्टर अगर आपको मिल जाता है ना, तो आप उसको मोल्ड कर सकते हो, आप उसको कुछ भी कर सकते हो। एंड सडनली दैट सीन बिकम्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो हर सीन साथ में बैठ के यू नो डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे ही स्टार्टेड यू नो द नुएंसेस ऑफ मोदी जी स्टार्टेड टू गैदर, एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर अ डायरेक्टर यू नो। एक चीज़ मैं हमेशा याद रखूंगा कि 18 साल में पहली बार मैंने और मेरे पिताजी ने साथ में हमने काम किया। साहब अपनी गाड़ी के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे पूरा हाईवे। नरेंद्र, कमाल कर दिया तुमने, इस सरकार को तोड़ के रहेंगे। सब तैयार। वो हिंदी अच्छा ही बोलते हैं, नो डाउट, ओनली श जो है ना वो श को स बोलते हैं, इतना उनका डिफरेंशियल। लेट्स सी सो दैट वॉक, दैट वरी, एंड देन चार बार गुजरात के सीएम रह चुके नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ हैं लाइव। All my co-actors, superb job. Camera person, you know, Sunita, it's the first time I'm working with her. You know, nice talmale of a director and a cameraman put together. You know, she did it fantastically. Omung Kumar मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं बहुत सालों से. उनके साथ में काम करने का मौका था. कभी वो सोचते थे और मैं करता था, कभी मैं सोचता हूँ और वो करते थे. बहुत मजा आया, बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। संदीप सिंह के बारे में क्या कहा जाए, वो कारण है इस फिल्म का, क्योंकि चाहते तो सब थे नरेंद्र मोदी, इतनी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इस पे फिल्म बनाई जाए, लेकिन सोचा उन्होंने और किया उन्होंने। बहुत भारी भरकम फिल्म है, तो ऑब्वियसली उनका साथ इम्पॉर्टेंट रहता है, जो क्रिएटिवली बहुत इंक्लाइंड रहते हैं, म्यूज़िक का सेंस बहुत अच्छा है, ही ड्राइव्स पीपल प्रॉपर्ली। और मैं सिर्फ क्रिएटिवली सोचता हूँ, तो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम आता है वो आने नहीं देता है। पहली बार मुझे वो लोग मिले जिनको सिनेमा से प्यार था। आई थिंक सोने का वक्त नहीं था, खाने का वक्त नहीं था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरी प्रोडक्शन टीम और मेरे डायरेक्शन टीम ने ये कैसे पॉसिबल किया। दे हैव मेड द फिल्म, इट इज़ नॉट आवर फिल्म।